एक्चुअल शूटिंग होता है तो बहुत टाइम लगता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में पूरे दिन के रूटीन के साथ साथ अम्बी ने एक डिस्कवरी एजुकेशन का ऑडिशन दिया था तो उसकी शूटिंग है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। रेडी फॉर स्कूल? ओके, फिनिश एंड देन लेट्स गो। ओके, आई विल पिक यू अप अर्ली टुडे एंड लंच बॉक्स, यू डोंट नीड स्नैक्स टुडे। ओके, दिस इज फॉर डैडी एंड योर्स। आज के वेदर में पूरे दिन रेन है, ग्लूमी है, क्लाउडी है, वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा था। और लंच बॉक्स में मैं बनाई हूँ प्रोटीन डाइट, जिसमें मैं डाली हूँ व्हाइट वाला चना है और उसमें थोड़ा सा पनीर डाली हूँ, पीस डाली हूँ, तो प्रोटीन डाइट हो गया वो लंच बॉक्स के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी हूँ, तो मेरा राइस बन गया है और लंच बॉक्स पैक करना है। अम्बी को ब्रेकफास्ट देती थी तो ब्रेकफास्ट वो अपना कर रही है। और इस टाइम पे मेरे हस्बैंड की मीटिंग रहती है और उनको 9 बजे पहले ही कॉल लेना होता है, और इसी समय मुझे अम्बी को स्कूल भी ड्रॉप करना होता है। इसकी वजह से मैं उनका ब्रेकफास्ट हमेशा रेडी करके जाती हूँ, तो उनको वही मैं दी हूँ। थोड़ा सा योगर्ट है, थोड़े से फ्रूट्स है और उसमें ग्रेनोला और थोड़ा सा जो तिल का लड्डू बनाई थी उसका वो तोड़ के डाल देते हैं, तो दही में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उनकी चाय भी बना के मैं यहाँ रख के जाती हूँ, वो आएंगे जैसे अपना लेके जाएंगे। और अपना मीटिंग के समय चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सभी कोई को। और साथ ही साथ अभी अम्बी के वाटर बॉटल भर लेते हैं, बाकी सारा काम हो गया है और चलेंगे, अम्बी को स्कूल ड्रॉप कर देंगे। तो लंच बॉक्स में वही मैं राइस डाल रही हूँ, अम्बी को भी ऐसी राइस दे दो ना तो बहुत ही आराम से वो खा लेती है। उसके साथ ही ना उसका चटनी जो होता है ना ग्रीन वाला चटनी, वो दे देती हूँ। तो आज उसको मैं थोड़ा सा अचार दी हूँ और ये घर का अचार बनाई हूँ। अब तो मेरा पूरा डब्बा भर के था, ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये वाला अचार, मैं घर में ही बनाई हूँ। और थोड़ा सा अम्बी को भी ही दे दी मैं, और कैरेट वाला उसको दी हूँ क्योंकि उसको मैं बोली टेस्ट करने के लिए, तो उसे अच्छा लगा तो वो बोली अच्छी कि मुझे चटनी की जगह पिकल दे दो। तो ये लंच बॉक्स हो गए हैं रेडी, हस्बैंड के भी मैं रेडी कर देती हूँ। बस अपनी मीटिंग ख़त्म करेंगे, वो निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। और अम्बी का लंच बॉक्स मैं वहाँ पे पैक करके निकली और हस्बैंड दौड़ के आ रहे थे उनको चाय लेके जाना अपनी मीटिंग के लिए। और देखिए बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है आज तो। और चलिए अभी अम्बी को स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। स्कूल ड्रॉप करने का अब देखिए जाते ही समय इतनी तेज़ रेन हो रही थी ना, वाइपर एकदम मोड जो होता है ना इसका थर्ड मोड पे रखना पड़ा, इतना स्विश 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 कर रहा है। पूरा दिन ही आज बारिश है, तो खैर बारिश को तो आपको जब ज़रूरत हो, कोई काम हो, कहीं जाना हो, बारिश होना तो बड़ा टेंशन हो जाता है। और बारिश में ड्राइव करना ना मुझे बहुत कभी कभी डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं बारिश के समय और लोगों में पेशेंस नहीं होता है, थोड़ा सा वेट करें। और चलिए अम्बी को स्कूल ड्रॉप कर दी हूँ और वापस मैं जा रही हूँ घर, तो चलिए चलते हैं घर। और बस घर आके हस्बैंड को बस स्टॉप ड्रॉप की और वो वहाँ से बस लेके ऑफिस चले जाएंगे। और उसके बाद मैं लग गई हूँ घर के सुबह के काम। अगर ये सब काम ना कंप्लीट ना करो ना तो शाम को ना बहुत ही ज़्यादा ये लगते हैं, और मैं हमेशा ये सब काम कंप्लीट कर लेती हूँ। कभी कभी मैं वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम कि मैं नीचे ही पढ़ती हूँ, किचन के काम ख़त्म करती हूँ तो मुझे लगता है यही सब करूँ, बट ये मेरी हैबिट है। मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा भी 10 मिनट या 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ। कॉलेज जाने जिस दिन होते हैं उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोग जल्दी उठ जाए तो हो जाता है, अदरवाइज तो ये फिर मैं कॉलेज के आने के बाद ही करती हूँ। बेड बनाना और ये सब थोड़ी थोड़ी सी जो जगह पे चीज़ें हो ना वहाँ पे रख दूँ तो अच्छी रहती हैं। और यहाँ पे मैं अपने जो इंटरटेनमेंट वाला रूम है यहाँ पे टीवी लग गया है, रिसेंट में एक बेड लगाई हूँ यहाँ पे, और इस जगह पे हम भी बैठ के देखती है उसको। वेदर चैनल देखना बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली जर्नलिज्म के लिए क्या क्या करते हैं ना वो देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सारे बुक स्टैंड को ये टीवी वाले स्टैंड पे रख दी हूँ,
और अपने गेस्ट रूम में मैंने क्लीन किया पूरा बेड। और सुबह उठो ना तो ये बस 5 या 10 मिनट के काम होते हैं, लगते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन 5-10 मिनट में ख़त्म कर लो तो हो जाता है, अदरवाइज़ आप पूरा छोड़ दो तो ऐसे रहता है। और अभी मैं अपने गेस्ट वाले रूम में भी इसको क्लीन कर लूँगी, बेड बना लेती हूँ, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है तो मेरे पास टाइम है, तो मैं फटाफट से ये सब कर लेती हूँ। और रात को मैंने बहुत सारे ब्लैंकेट सब भी धोया था, और ये वाला बेड को चलिए ठीक करते हैं, फिर उसके बाद में बाकी का और काम करूँगी। और बस मेरा बेड बन गया है और अब चलेंगे बाकी के और काम करने के लिए। बेड बना हुआ रहता है बड़ा आसानी लगता है, और अपना आजकल मैं ही मॉनिटर यहाँ पे लगा के रखी हूँ, यहाँ भी पढ़ती हूँ, कर्टन हमारा लग गया है तो अभी रूम जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठंड के दिन में ना कर्टन रहता है तो ये कवर रहता है, विंडो से कम ठंड आती है। और जितने भी ब्लैंकेट्स फोल्ड किए थे, जो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स होते हैं, वापस से उनको ये जो क्लोजेट है ये मेरा बेसिकली सारे जो कंफर्टर ब्लैंकेट्स, एक्स्ट्रा टॉवल, बेड शीट, पिलो कवर, ये सब जो होते हैं ना उसमें ही रहते हैं। तो मैं रात को बहुत सारे कपड़े धोई थी तो सारे टॉवल ये सब सूख गए हैं, बस इन सबको उनको उनकी जगह पर रख देते हैं। एक के साथ मैं टॉवल धोती हूँ, एक साथ ब्लैंकेट धोना होता है, 2-3 ब्लैंकेट धो लेती हूँ, तो इस तरह से अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों मेरे ब्लैंकेट है ना, कंफर्टर हैं, ओवर साइज़ के हैं, तो मैं इसको कभी कभी ना, मेरा लॉन्ड्री फुल था, ड्रायर फुल था ना, तो मैं यहीं पे रख दी और बहुत ही अच्छा से ड्राई हो गया है, तो भी दोनों को फोल्ड कर लेंगे और रख देंगे। कभी कभी ड्रायर में भी इतने बड़े ओवर साइज़ के कम्फर्टर ना अच्छे से ड्राई नहीं होते हैं, वो स्मेल करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं यहाँ पे रख देती हूँ ना तो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं, हीटर भी चलता है ना तो उसकी वजह से आपके कपड़े भी सूख जाते हैं। और मेरा जो स्टेयर्स का ये रेलिंग है ना बहुत ही अच्छा है, यूज हो जाता है, कभी टॉवल सूख जाते हैं, कभी ब्लैंकेट सूख जाते हैं, इस तरह से डाल दो तो। और चलिए बाकी के जो भी ब्लैंकेट्स हैं अभी उनको उनकी जगह पर रख देते हैं मेरे क्लोजेट में, ब्लैंकेट वाले, ये एक्स्ट्रा क्लोजेट है, मिसलेनियस स्टफ इसमें रखे जाते हैं, जो भी मेरे घर के चीज़ें होती हैं मैं यहीं पर रखती हूँ, जो लॉन्ड्री से रिलेटेड हो गए या फिर आपके जो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट कम्फर्टर, तो ये रहा मेरा ये वाला क्लोजेट। अंबिका रूम में भी बेड बना दी थी, और रात को मैं यहाँ पे रूम्बा और रख दी थी, तो रूम्बा ऑन हो अपना क्लीनिंग कर दिया था, क्योंकि रात को अंबी बुक पढ़ते पढ़ते मेरे बगल में ही सो गई थी जहाँ मैं पढ़ रही थी, तो वो अपने रूम में सोई नहीं है, तो बेड इसका उतना बनाना नहीं पड़ा था जितना वो रीडिंग की थी, वो उसी हिसाब से। अभी इसका जो रीडिंग है ये यहाँ पे ना बहुत सारा कलर वलर करती है और जनरल लिखती है, तो मैं उसको फिर से ऑर्गेनाइज कर दी हूँ, तो अभी ठीक लग रहा है। इसका रूम अभी जैसे का तैसे है, कुछ गड़बड़ नहीं की है, बहुत ही अच्छे से रख रही है। ये और सारे ये घर के काम हो गए, किचन में पूरा क्लीन ही करके आई थी, ऊपर का काम कर रही हूँ और अभी बैठ के पढ़ाई करूँगी, मुझे क्योंकि आज अंबी का शूटिंग है तो उसमें टाइम जाने वाला है, तो मैं अपनी सुबह का जो 2-3 घंटा मुझे मिला है मैं इसको यूटिलाइज कर लूँगी। तो चलिए बैठ के पढ़ते हैं 2-3 घंटे, उसके बाद अंबी को जाऊँगी स्कूल से पिकअप करने के लिए, उसको अर्ली रिलीज करना है। और ये वाला स्टॉप वॉच ना मैं बेसिकली अपने टेबल के लिए खरीदी हूँ, 1 घंटे का लगा के रखती हूँ, उसके बीच में उठ के एक बार आपको स्ट्रॉल करना पड़ता है, थोड़ा सा वॉक कर लो, पानी ले लो, स्ट्रेचिंग कर लो, वापस से फिर पढ़ लो। और मेरा टाइम हो गया था अंबी को पिकअप करने के लिए, और मैं अगर जल्दी नहीं पिकअप करूँगी तो फिर उसको लेट हो जाएगा स्कूल के लिए, इसीलिए मैं चल निकल गई स्कूल से, उसको पिकअप कर लेते हैं। इसका कॉल बैक जो होता है ना, कॉल टाइम होता है, वो बुलाए थे
2:30 को, तो इसलिए मुझे अम्बी को रिलीज कराना पड़ा स्कूल से। और देखिए कितनी बारिश हो रही है। अम्बी आके शावर ले ली है, ये रेडी हो गई है, इस मतलब शावर लेके बैठी थी, थोड़ा सा हम अपने लैपटॉप पे कुछ कुछ कर रही थी। और उसके बाद मुझे ये जो कपड़े थे सारे मेरे हस्बैंड रात को ही प्रेस करके रख दिए थे, जो यू मतलब कि जो घर वाले कुछ कुछ थे टी शर्ट ये सब मैं रख देती हूँ, वो आयन करके रख दिए थे। वो बोले कि जस्ट तुम सुबह में उसको रख देना, अभी मत डालो ताकि ना उस पर रिंकल्स आ जाएंगे उसकी वजह से। और अभी सारे कपड़े को मैं रख देती हूँ उसके लगेज बैग में। हालांकि इतने कपड़े नहीं चाहिए, वो बोले थे 3-4 पेयर टी शर्ट या पैंट्स लाने के लिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो वो चेक करेंगे, तो इसीलिए मैं रख लेती हूँ इनकेस कि आप जा ही रहा है तो 4-5 में एक्स्ट्रा रख ली। जीन्स रख ली हूँ, और अम्बी के बहुत सारे जीन्स थे छोटे हो गए थे, इसकी वजह से मुझे कॉल्स जाके नए जीन्स लेना पड़ा। तो अभी इसका लगेज हो गया है पैक, और इसमें शूज रखना है बस। चलिए इन सब को रेडी करके निकलना है। तो अम्बी के वार्डरोब वाले जितने भी सामान थे वो सब मैंने रख दिया। थोड़े से मेकअप ब्रश ये सब होता है, मेकअप तो नहीं चाहिए बिल्कुल, थोड़ा सा पाउडर वैसलिन ये सब होता है वो सब रख लिया। और थोड़े से स्नैक्स रख लिए क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत ही टाइम लगने वाला होता है। तो अभी ना 1:30 हो गए हैं और अभी निकलती हूँ अम्बी को लेके, यहाँ से ड्राइव करके जाने में भी टाइम लगेगा। और वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या क्या ये सब है, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगता है शूटिंग में, 3-4 घंटे आराम से कहीं नहीं जाते हैं लग जाता है। क्योंकि हम भी इसके पहले भी बहुत बार गई है फ़ोटोशूट के लिए, गई है बहुत सारे ऑडिशन के लिए, तो मतलब थोड़े से हम हो जाता, बट एक्चुअल शूटिंग होता है तो बहुत टाइम लगता है, 4 घंटे तो कहीं नहीं गए। इसीलिए मैं थोड़ा स्नैक्स ये सब रख ली हूँ, पानी का बॉटल रख लेती हूँ, और अभी निकलते हैं। इसलिए मैं इसको स्कूल से अर्ली रिलीज कराई हूँ, तो अभी निकलते हैं जल्दी से उसको रेडी करा देते हैं। बाद में पैक कर दिया जो भी कपड़े वो लोग बोले थे लाने के लिए, कपड़े नहीं चाहिए, बट इन केस अगर कोई कपड़ा अगर कुछ कैमरे में नहीं फिट हो रहा है तो वैसा वो लेंगे। और मैं भी अपना सारा जो डॉक्यूमेंट ये सब है वो सब ले ली हूँ, और मैं अपना आईपैड ले ली हूँ। 4 घंटे क्या करूँगी, बैठ के कुछ कुछ पढ़ूँगी, तब तक इसका शूटिंग चलेगा तो वही चलते हैं फिर। चले चलते हैं, अम्बी रेडी, आर यू एक्साइटेड अम्बी फॉर योर शूट? It's gonna be fun, right? So let's go, we will start, okay? और बस निकलने के पहले भगवान का आशीर्वाद, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसकी वजह से भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और एक किसी भी ऑडिशन किसी भी रोल के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत टाइम लगता है। अम्बी ने सितंबर में ये ऑडिशन दिया था, अभी जाके इसका कॉल बैक आया क्योंकि इनकी शूटिंग जो है अभी चल रही है। तो अम्बी इसमें अपना मेन उसका डिस्कवरी एजुकेशन के लिए मेन इसका रोल है, ये एलिमेंट्री कैटेगरी की थी इसके लिए। और अभी चलिए निकल गए हैं घर से, चलते हैं। इतनी बारिश हो रही है आज के कुछ कहने का नहीं। राइट अम्बी, यू रेडी? सुबह से वेदर ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, कंटिन्यूस बारिश हो रहा है, इस बारिश में ड्राइविंग करना और भी ज़्यादा डर लगता है। और जस्ट इस बिल्डिंग में इसका शूटिंग था, वहाँ पे हम लोग अपना कार पार्क किए 6th फ्लोर पे, उसके बाद आ गए हम लोग यहाँ पे। और इसको जो कोट पहनाना था इसका वो साइज चेक कर रही है, परफेक्ट है या नहीं है, कोई और मंगाना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस एजुकेशन के लिए है तो उसकी वजह से वो लोग इसको कोट दिए हैं। उसके बाद उसमें ये डॉक्टर वाले जो रिसर्च वाले गॉगल्स होते हैं वो पहनाना था, तो वो आके चेक करके गई कि सारा कुछ ठीक है। उसके बाद हम भी यहाँ पे स्क्रिप्ट ले ली है, अपना थोड़ा प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ बच्चे भूल ही जाते हैं। हालांकि हम भी कुछ स्क्रिप्ट याद हो जाता है, बट यहाँ पे फिर भी मेरे साथ बैठी थी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं बोली चलो प्रैक्टिस कर लो अपने स्क्रिप्ट को। और उसके बाद जब वो जो डायरेक्टर थी वो आई, फिर मैंने उनको कपड़े दिखाए, तो वो बोले कि नहीं जो वो कपड़े पहनी है वो वाले जो वार्डरोब उसका जो ड्रेस है काफ़ी अच्छा है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नया इशू मैं दे दी अम्बी को पहनने के लिए, और वो बोले कि क्योंकि अम्बी को लेके गए थे कैमरा टेस्टिंग के लिए, तो कैमरा में देखे बोले कि नहीं बहुत ही अच्छा कलर परफेक्ट आ रहा है, तो वो टी शर्ट और जीन्स नहीं चेंज करना है, शूज़ भी परफेक्ट हैं। और उसके बाद वो लोग शूटिंग स्टार्ट करने के पहले बोले क्या कि वॉशरूम जाना है तो चले जाओ क्योंकि टाइम लगेगा, इसलिए मैं अम्बी को वॉशरूम लेके गई।
और उसके बाद यहाँ पे इसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई। काफ़ी सारे टेक लगे, बहुत सारे टेक लगते हैं और बहुत सारे ऑप्शन लगते हैं, कौन से एंगल, कौन से टेक, कौन सा ऑप्शन अच्छा है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा टेक लेते हैं। तो अम्बी इसमें बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसको बहुत ही इंजॉय करके अपना शूटिंग देती है, इंजॉय करती है, उसको एक्टिंग करना अच्छा लगता है और उसका वो पैशन है तो वो फॉलो करती है। जब वो 5 साल की थी तब से वो कर रही है और एक्टिंग क्लास भी जाती है, तो हमें भी अच्छा लगता है। बच्चे को जो पसंद है उसके चीज़ें उसको कराओ तो वो मन से करते हैं। तो अभी 5 साल से कर रही है, अभी उसका 5 साल हो गया एक्सपीरियंस एक्टिंग में। खुद से तो नहीं कर रही है, वो प्रोफेशनल क्लास लेती है, वहाँ पर सीखती है। और यहाँ पे बहुत सारे टेक्स हुए और ये वाला जो मॉनिटर है ना मेरे लिए लगाया गया था कि मैं बाहर से देख सकूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर दी हूँ। ऑडियो मैं म्यूट कर दूँगी क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, जब तक उनके वेबसाइट पे अपलोड ना हो तब तक ये सब बोलते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए। हस्बैंड भी आ गए थे और उसके बाद हमारा शूट ख़त्म हो गया, तो हम लोग अभी जा रहे हैं घर के लिए। और उन लोगों ने बहुत ही अच्छा सारा कुछ किया और हम भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो चलिए चलते हैं घर। और घर आते आते 5:25 हो गया था और मैं यहाँ पे चाय चढ़ा देती हूँ। कहीं से आओ घर आके सबसे पहला काम होता है चाय चढ़ाना। और मैं चने बॉईल की थी सुबह में, तो एक्स्ट्रा चना जो है ना ये कुकर में ही था, तो अभी मैं इसको स्ट्रेन कर देती हूँ और उसके बाद चाय बनाती हूँ। तो आज चाय के साथ थोड़ा सा स्नैक्स में वही बिस्किट, भुजिया, ये सभी हम लोग खा रहे हैं। और उसके बाद हस्बैंड बोले चना है तो चलो आज पानी पूरी खाते हैं। और वो ना एयर फ्रायर में आलू रख दिए थे बेक्ड होने के लिए, बेक्ड वाले जो पोटैटोज होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं भी पानी पूरी का पानी बना रही हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा दी हूँ कोरिएंडर दी हूँ और उसके साथ इमली भी दी हूँ। इसमें डाली हूँ थोड़े से ग्रीन चिली और उसके बाद मैं इसमें डाली थी ग्रीन चिली के बाद उसमें गार्लिक डाली थी और इसका एक अच्छा पानी बना लेंगे। इसमें सारा कुछ मैं डाल दी थी, पानी पूरी मसाला, नमक और सारा कुछ डाल के, और उसके बाद इसको छान लेंगे क्योंकि जब आप छान लीजिएगा ना तो इसका जो पानी का फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आएगा और कुछ भी मुँह में आता नहीं है, तो सिल्की सा स्मूथ सा पानी बनता है। भैया पानी पूरी का पानी बन गया है, अब इसके मसाले बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी जो अनियन है और धनिया पत्ता ये सब कट कर ली हूँ और आलू को मैश कर ली, चने डाली, पानी पूरी मसाला डाली और इसमें चाट मसाला मैं डाल ली हूँ, जीरा पाउडर डाली, उसके बाद ब्लैक पेपर नहीं ब्लैक सॉल्ट नॉट ब्लैक पेपर, और ये गुठली जैसा था उसको मैं पहले क्रश कर लेती हूँ और बाकी के जितने भी अभी चॉप करके रखी हूँ सारे को मिला लेती हूँ। तो पानी पूरी किसको नहीं पसंद है, पानी पूरी को नाम ही सुन के लोगों को मन करता है अभी खाएं, तो अभी मैं बना ली हूँ। आज हम लोग पानी पूरी ही रात को खाएंगे और उसके बाद हम लोग को पानी पूरी खाने के बाद और खाने का मन नहीं करता। और जो पानी बना के रखी ना उसको मसाले में आप 2-3 ऐसे लैडल भर के डाल दो ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मसाले का। और जब मैं बना रही थी तो एक मैं पहले टेस्ट कर ली कैसा है, उसके बाद में हम लोग सबको ही खाएंगे। तो आज हमारा रात को ये पानी पूरी पार्टी ही चला और अम्बी को पानी पूरी बहुत पसंद है, उसको दे दी खाने के लिए। वो अपना थोड़ा सा टीवी देख रही है यहाँ पे। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।